हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करते स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट? और आज के इस सेटिंग में हम देखेंगे कल रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे, और आपकी भी फीलिंग्स चेक करेंगे। देखते क्या कुछ फीलिंग्स में, थॉट्स में चेंजेस आए हैं। और यस, अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन में हैं, आपको रियलिटी जाननी है इस रिश्ते की कि आखिर आपका रिश्ता स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको पर्सनल रीडिंग में जो है प्रॉपर सही आंसर मिल जाता है कि आखिर आपके रिश्ते की प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए और वहाँ पर जो आपको डिटेल्स मिल जाती है कि आपको किस तरह से कॉल को बुक करना है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग करा के अपने जो भी प्रॉब्लम है आपके रिश्ते की आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। आपको एकदम हैप्पी माइंडसेट के साथ रहना है, अपने रिलेशनशिप की अच्छी अच्छी बातें सोचनी है, अपने पार्टनर के फेस को इमेजिन करना है, उनका नाम दिल में दोहराना है। ठीक है, एकदम हैप्पी और पॉजिटिव रहे, कैंडल की लो पे फोकस करें, गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनकी और इनके पार्टनर की कल रात की ट्रू डीप फीलिंग्स पता, एक दूसरे के लिए वो क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ इनके फीलिंग्स में थॉट्स में चेंजेस आए, हमें ट्रू मैसेज दें, गाइड करें। एकदम हैप्पी रहो, ओके। वाव, एक खूबसूरत सा दिया बना है यहाँ पे, दिया है जो कि जलता हुआ है, ओके। और यस, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच तो रहे थे। ठीक है, यहाँ पे एक मतलब थ्री डॉट जो है एक साथ चिपक के तो आए हैं। ठीक है, तो यस, अभी थर्ड पार्टी के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो डेफिनेटली है, यहाँ पे बहुत सारे हार्ट्स बने हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपके पार्टनर आपको मतलब अपने दिल में रखे हुए हैं। ठीक है, इनके दिल से जो है ना आपका कब्जा कभी नहीं हट सकता, आपने इनके दिल के ऊपर अच्छे से कब्जा करके रखा है, जो चाहे कुछ भी हो जाए कोई और उसके ऊपर कंट्रोल कर ही नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक कैट बनी है, तो इसका मतलब सिंपल है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जैसे कि बिल्ली होती है आग बंद करके दूध पीती है, तो उसको लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, आपके पार्टनर को भी यही लग रहा है कि वो आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं आपसे, अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बता रहे, तो इसका मतलब यह है कि आपको जो लगता है कि शायद वो आपको भूल गए हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, ऐसा इनको लग रहा है कि यस आप ऐसा मान चुके हो। ठीक है, और इसीलिए इनको लग रहा है कि आपने जो है मूव ऑन कर लिया है, आप अपने लाइफ में किसी और को जगह दे चुके हो, और ये मतलब इस तरह से है, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है और बिल्ली की तरह बिहेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मतलब अपनी फीलिंग्स को हाइड करना, इस तरह से देखना कि यस मैंने आंखें बंद कर ली तो मतलब सामने वाले को कभी पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, इस तरह से मैं ही सामने वाले को देखूंगा नहीं तो सामने वाला क्या ही मेरे लिए मतलब फील करेगा, इनका इस तरह से सोच बन चुका है, बहुत ज़्यादा इसी तरह से सोचते हुए दिखाई दे रहे। डेफिनेटली यहाँ पे छोटे बच्चे की एनर्जीज है, तो ये जो अपनी फीलिंग्स को इतना हाइड कर रहे हैं, दुनिया से बचा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, जैसे कि आपको दुनिया से छुपा रहे हैं, क्योंकि अगर आप दुनिया के सामने आते हो तो इनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, ऐसा इनको लगता है। ठीक है, और ये आपको पूरे समाज के सामने स्वीकार करने के लिए तो कभी भी रेडी नहीं हो सकते हैं, और जो कि इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा इनसिक्योर इनको महसूस होगा, इनका मतलब सब कुछ, जैसे कि उन्होंने कुछ भी कमाया है ना, अपना स्टैंडर्ड जो लोगों के नज़रों में बनाया है, तो उसके ऊपर जो है दाग लग सकता है, ऐसा इनको लगता है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल भी स्वीकार करने के लिए रेडी नज़र नहीं आ रहे हैं। यस, इनका ऐसा है कि आपके साथ जो है मतलब ऐसा रिलेशनशिप डेफिनेटली रखना चाहते हैं जिससे कि पूरी दुनिया को पता भी ना चले और आप जो है मतलब छुपे हुए रहे, इस तरह से। यहाँ पे यू बना है, वी बना है, ठीक है, सी है और बी भी है। डेफिनेटली आपके पार्टनर के नाम के इनिशियल्स वो हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनका इस तरह से ना, एक तो पहली बात तो छोटे बच्चे की एनर्जी से, तो छोटे बच्चे से तो अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं और आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन जो कि सैड एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, इनको अपने आप के ऊपर गुस्सा आता है। गुस्सा इस बात का आता है कि आपसे इतना प्यार करने के बावजूद भी ना वो आपको समाज
उनको आपको समाज से छुपा के रखना पड़ रहा है, वह आपको वो जगह नहीं दे सकते जिस जगह की आप इनसे उम्मीद करते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज है, शायद यहाँ पे ना कुछ पार्टी नज़र आ रही है, जैसे कि अभी तो मतलब साल का हमारा लास्ट डे भी है, ठीक है, तो शायद हो सकता है कि ये सेलिब्रेशन हो, कुछ भी है, लेकिन कुछ तो भी पार्टी है यहाँ पर। उस पार्टी में जो है ना कोई सक्सेस का एन्जॉयमेंट चल रहा है, सक्सेस का सेलिब्रेशन चल रहा है, और यही जो उन्होंने मतलब जैसे कि कल दो पूरे दिन में ऐसा कुछ हुआ होगा जिसके बारे में वो रात को सोच रहे थे, ठीक है। तो सक्सेस तो उनको डेफिनेटली मिली है, लेकिन ये जो है उस सक्सेस को एन्जॉय नहीं कर पाए थे और उसी बारे में रात को सोच रहे थे कि इतना सब कुछ मेरे पास होने के बावजूद, इतना माहौल, इतना खुश माहौल, इतना मतलब हर जगह पे डांस हो रहा है, गाने बज रहे हैं, सब अपने अपने मतलब एक दूसरे के साथ हैप्पी फीलिंग्स, हैप्पी मोमेंट शेयर कर रहे हैं, फिर इतने लोगों के बीच भी मैं इतना अकेला क्यों था? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको सोच रहे थे, आप इनके माइंड से हटते ही नहीं हो, और कल भी यही हुआ था, पूरा दिन भर यही इनके साथ हुआ है, ठीक है। वो रात को बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे, स्टक सिचुएशन में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और अपने आप को कोसते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है। दिल से इनकी तमन्ना ऐसी है जैसे कि नहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा तड़पते हैं, मैं आपको मतलब जैसे कि जो मुझे दिखाई देता मैं वही बोलती हूँ, ठीक है। इनकी तड़प आपके लिए बहुत ज़्यादा है, इतना तड़पते हैं ना कि आप भी शायद इतना नहीं तड़पते होंगे, और आप जो है कि एटलीस्ट अपनी फीलिंग्स देख लेते हो, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आपको पता चलता है, और इससे आपको इतनी तो मतलब उम्मीद लगी रहती है कि आपके पार्टनर आपके पास आने वाले तो डेफिनेटली है। लेकिन आपके पार्टनर के हाल तो ऐसे है कि इनको ऐसा लग रहा है कि अभी इतने दिनों से इन्होंने आपके लिए एक्शन नहीं लिया है, मतलब कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 2 साल से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है, कुछ लोग 1 साल 6 महीने, तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने मतलब एक्शन नहीं लिया है, इन्होंने आपको जो आपने एक्शन लिया था उसका रिप्लाई इन्होंने आपको नहीं दिया है, तो अभी इनको लग रहा है कि अभी शायद आपने जो है इनसे मूव ऑन कर लिया है, ठीक है। ये मतलब यस, आपने जो एक्शन लेना बंद किया है, क्योंकि आपको अगर ये रिप्लाई ही नहीं करेंगे तो आप एक्शन क्यों लोगे, इसी तरह से तो इनको लग रहा है कि आपने एक्शन लेना बंद कर दिया है तो शायद आप मूव ऑन हो चुके हो, और ये मतलब बहुत सैड एनर्जीज में। और जैसे कि रात को 2 से 3 के बीच में जो है उठ के बैठे भी थे ये, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा जैसे कि हाथ पे सर पे हाथ लगा के बैठे हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, ठीक है। ये कुछ ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि एक मतलब प्रेस्टीज इनकी बहुत हाई है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में इनको सोचना पड़ता है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इसके बारे में लोग क्या कहेंगे, और यहाँ पे इनका नाम खराब होने के चांसेस है, ठीक है। मतलब जहाँ पे प्यार करते हैं, जिससे प्यार करते हैं, उन्हीं को स्वीकार करने से इनका नाम खराब हो सकता है, ऐसा इनको लग रहा है। तो फिर इनको ऐसा है कि आखिर मैंने मतलब इसके साथ रिश्ता स्टार्ट ही क्यों किया, मतलब ये तो मुझे पहले से ही पता था कि मैं इसके साथ ना तो शादी कर सकता हूँ, ना तो समाज के सामने इसको स्वीकार कर सकता हूँ, ना तो मेरे फैमिली वाले इसको स्वीकार करेंगे, और कुछ भी मैं इसको इंसाफ नहीं दे सकता, जो कि आपको इंसाफ देने के बारे में, आपके साथ जस्टिस करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंडल के वैक्स कहीं पर भी नहीं हिल रही है, वहीं पर अटकी हुई है, वही बातें बार बार याद करना, दोहराना कि मुझसे इतनी गलती क्यों हुई है, मुझसे मतलब जस्टिस करने का ख्याल आना, लेकिन कि अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करना, और फिर ऐसा सोच लेना कि मैं मेरे फीलिंग्स को हाइड करके रखूँगा, कभी बताऊँगा ही नहीं, ठीक है। इनका मतलब ना इतने डिप्रेशन में जा चुके हैं ना, जैसे कि सक्सेस है लेकिन एंजॉय नहीं कर पा रहे, खुशियाँ है लेकिन सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, और प्यार है जो कि किसी को बता नहीं पा रहे, आपसे प्यार करते आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, इनकी सारी बातें दिल ही दिल में ऐसी दबाए जा रही है जिससे कि ना ये डिप्रेशन में जा रहे हैं, ठीक है। इनका बहुत ज़्यादा सैड और रोए भी है रात को, ठीक है, क्योंकि कैंडल के वैक्स जो है पूरी की पूरी गीली है, आप देख सकते हो, और यहाँ पे भी कितना खूबसूरत सा हार्ट बन गया, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, एकदम लवली हार्ट बना है, और आपके पार्टनर आपको इसी तरह से जो अपने दिल में दबा के रखे हैं, ठीक है, दिल में आपको हाइड करके रखे हैं, फीलिंग शेयर नहीं करना चाहते, आपके ऊपर नज़र रखे हैं, आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने स्टॉक किया है रात को, फोटोज़ बहुत ज़्यादा देखी है, ठीक है। अगर आपने रिसेंटली अभी कुछ अपलोड किया है ना तो डेफिनेटली इन्होंने देखा है, और उसे देख के इनको खुशी, मतलब जैसे कि आपको देख कर ये दिल को एक सुकून सा महसूस कर लेते हैं कि चलो ये अपनी लाइफ में हैप्पी तो है, ठीक है,
लेकिन यस आपको ना इनका इस तरह से है ना बात करने का इतना दिल भी करता है, फिजिकली अट्रैक्शन इतना महसूस होता है, लेकिन अपने आप के ऊपर कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये किसी ये ऐसे पर्सन है ना, ये ना तो आपके साथ इनजस्टिस करना चाहते हैं ना अपने फैमिली के साथ, और अपने फैमिली के चलते इन्होंने जो कोई थर्ड पार्टी आपके इस रिलेशनशिप में लाई है ना, उस थर्ड पार्टी को भी वो बहुत ज़्यादा मतलब उसके साथ भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, इस तरह से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यस अगर ये किसी बच्चे से बांधे नहीं होते राइट, मतलब अगर थर्ड पार्टी से इनको कोई बच्चा नहीं होता या फिर इनकी लाइफ में कोई बच्चा नहीं होता ना, तो देखो आप फिजिकली अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। ये थर्ड पार्टी के साथ कुछ भी प्यार महसूस नहीं करते, लेकिन एक बंदा हुआ जैसे कि पिंजरे में कोई पंछी बंदा हुआ रहता है, वैसे फीलिंग उनको थर्ड पार्टी के पास आती है कि ज़बरदस्ती के उनके साथ रहना है, उनको झेलना है, उनका टॉर्चर झेलना है, क्योंकि वो एक सेटिस्फाइड पर्सन नहीं है, उनको मतलब ज़िंदगी में कभी सेटिस्फैक्शन मिलेगा नहीं, एक ऐसी पर्सनैलिटी है वो, ठीक है। बहुत ज़्यादा लालची, ग्रीड और पैसा पैसा और सामने वाले की कीमत नहीं करना, इंसान की वैल्यू नहीं करना, भले इंसान कितना भी उनके लिए करे, लेकिन उनको मतलब ऐसे टॉर्चर कर करके पागल करके छोड़ देना, ठीक है। इतना टॉर्चर आपके पार्टनर को वहाँ पे हो रहा है, पिंजरे में अटक चुके हैं, बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन अभी इनका ऐसे है ना कि ये ना आपके लिए ना किसी से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि गाइडेंस ले रहे हैं कि मैं क्या करूँ ऐसे सिचुएशन, मुझे कुछ तो, जैसे कि मैंने बोला ये एक ऐसे पर्सन है ना जो एक हाई पोजीशन पे काम करते हैं, लेकिन फिर भी इनको आपके आपसे रिलेटेड जो भी रिश्ता स्टार्ट करना है उसके लिए किसी और से गाइडेंस लेने की ज़रूरत पड़ रही है, अपने फ्रेंड से या फिर कोई है जिनसे वो गाइडेंस ले रही है कि आखिर मैं आपके साथ रिश्ते को किस तरह से स्टार्ट भी कर सकता हूँ जिससे कि आपके साथ भी जस्टिस हो और इनकी फैमिली लाइफ भी ख़राब ना हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच विचार इनका चल रहा है, और डेफिनेटली मतलब इस तरह से है कि आपको रिलेशनशिप के लिए स्टार्ट करने के लिए मनाने वाले तो डेफिनेटली है, आने के बारे में सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन जो कि इनकी बातें भी रह जाए और आपका भी मतलब डिसरिस्पेक्ट ना हो, इस तरह से सोच के वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अब ये क्या रास्ता निकालते हैं इन्हीं को खुद को पता, लेकिन जो यस इनके रातों की नींदें बहुत ज़्यादा उड़ी हुई रहती है हमेशा, जैसे कि अगर ये कोई आदमी है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, ठीक है। दिन भर काम करना और रातों को जागना, हेडेक स्ट्रेस स्ट्रेस टेंशन और अनहैप्पी, ठीक है, डिप्रेशन की वजह से जो कि इंसान मतलब बहुत कुछ गलत कदम भी उठा सकता है, तो इतना मेंटेलिटी इनका जो ख़राब हो चुका है, सिर्फ आप इनके लाइफ में नहीं हो इसलिए, ठीक है। तो दिल से इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं, इन्होंने मतलब ये डिसीजन तो ले लिया है कि कुछ भी करके ये किसी से सलाह लेके या फिर किसी को बीच में, जैसे कि आप दोनों को कोई मिला सकता है, ऐसे पर्सन को बीच में डाल के वो इस रिश्ते को स्टार्ट डेफिनेटली करना चाहेंगे, ठीक है। और यस आपकी फीलिंग्स तो देखना रह गया, लेकिन आपके बारे में इतना बोल सकती हूँ कि आप दिल से अपने पार्टनर को अपने लाइफ में पाना चाहते हो, इस रिश्ते का रिवर्स चाहते हो, और आप जो कि ऐसा हो है कि आप रात को ना बहुत ज़्यादा अपना पास्ट लाइफ याद कर रहे थे, जिस इस रिलेशनशिप का जो भी पास्ट है ना, आपके पार्टनर ने आपके साथ जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी हुआ है, भला बुरा बोला गया है, कुछ भी है, छोटी मोटी बातें, आप कल रात को ना पास्ट बहुत याद कर रहे थे अपने रिलेशनशिप का। और यस डेफिनेटली आप दिल से जिससे कुछ स्टार्ट तो करना चाहते हो, अपने पार्टनर को पाना चाहते हो, जैसे भी है जैसे भी सिचुएशन में, आपको बस इतना है कि अभी इस वक्त आपको आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, ठीक है। बस वो आ जाए एक बार मेरे पास, मुझसे बात करें एक बार, कम्युनिकेशन मतलब मुझसे कर ले एक बार, मुझे क्लैरिटी दे दे कि आखिर उसको अब चाहिए क्या, कुछ चाहिए भी कि नहीं चाहिए, क्या ये आपके साथ रहना चाहते भी है कि उन्होंने आपको हमेशा के लिए छोड़ दिया है, या इस तरह से आप क्लैरिटी मांगते हुए दिखाई दे रहे हो, जो कि आपके पार्टनर ने आपको कंप्लीट क्लैरिटी भी नहीं दी है, ठीक है। बस ब्रेकअप करके चले गए, लेकिन मैं ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आऊँगा ऐसा इन्होंने कुछ बोला नहीं है, इसलिए जो आप आज भी उनके बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और जेलसी यहाँ पे एंड में आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ आई होगी, जेलसी बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर के अंदर, और शायद आपका भी इसी तरह से, अगर आपने इनको कुछ सोशल मीडियाज़ पे कुछ देखा है तो आपके अंदर कुछ जलन जैसा, आपको दिल जला होगा बहुत ज़्यादा, इस तरह से मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यस यहाँ पे नंबर है 7862013, ई है यहाँ पे FCBVWUMLKS और टी है यहाँ पे, ठीक है। वाह एक अच्छी सी डॉल भी बन चुकी है,
तो यस, अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसके भी साथ जो भी बातें रेजोनेट हुई मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि इसकी एनर्जीज निकल के आई है, ठीक है। और यस, पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।